Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing good. In today's video, I'm going to make these cute fridge magnets. Summer hai to maine socha kyun na main ye cute ice cream hi banau. And let's get started. तो सबसे पहले मैंने एक पेपर में इस तरह से आइसक्रीम ड्रॉ कर लिए हैं और उन्हें अच्छी तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं यहाँ पर फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले यूज़ करने वाली हूँ। ओके, सो इसमें हमें मिलता है एक रेजिन और एक हार्डनर और हमें दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना होता है। एंड मिक्स करने के बाद मैं सबसे पहले आइसक्रीम बार बनाऊँगी। एंड यू कैन सी मैं कोई भी क्ले टूल का यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड बचे हुए क्ले को मैं कुछ इस तरह से फ्लैट कर लूँगी। आपके पास कोई भी चीज़ है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई भी ऐसे स्पेसिफिक टूल की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने पेपर कट किया था उसे मैं एज अ स्टेंसिल यूज़ करूँगी और उसे अच्छी तरह से कट कर लूँगी। एंड कुछ इस तरह से मैंने अपना बेस रेडी कर लिया है और मैंने यहाँ पर आइसक्रीम को 3D इफ़ेक्ट देने की कोशिश करी है। उसके लिए मैंने बचे हुए क्ले से आउटलाइन दिया है जहाँ पर मुझे 3D वर्क चाहिए था। बेस को हमें कम्प्लीटली वाइट करना है, इसके लिए मैं जैसो का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वाइट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कलर। फॉर दिस कलर मैंने ब्राउन एंड वाइट को मिक्स किया है एंड वाइट से कुछ इफ़ेक्ट्स भी ऐड किए हैं। अब मैं उसी का डार्कर शेड यूज़ करूँगी डिटेल्स ऐड करने के लिए। फिर हमें आइसक्रीम को अच्छी तरह से कलर करना है। ऑलवेज रिमेंबर, पहले हमें क्ले को अच्छी तरह से ड्राई होने देना है, उसके बाद ही हम उसके ऊपर कलर करेंगे। जैसे जैसे हम कलर्स ऐड करेंगे, लाइट एंड शेडो एंड डिटेल्स ऐड करेंगे, वैसे वैसे ही हमारा आर्ट पीस बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और अब मैं छोटे छोटे और भी बहुत सारे डिटेल्स ऐड करूँगी जिससे कि ये आइसक्रीम और भी ज़्यादा क्यूट लगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड द फन पार्ट इज़, मैं भी एक ले आर्ट पहली बार ट्राई कर रही हूँ बिकॉज आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स। और इसे बनाना इतना ईजी और फन है कि कोई भी इसे ट्राई कर सकते हैं, सो गिव इट अ ट्राई। और अब मैं सेकेंड पीस को कलर करना स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैंने डिफरेंट कलर्स का यूज़ किया है। एंड आई एम लविंग दिस कलर्स गाइज। ये बनाने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करें। एंड यू कैन सी डिटेल्स ऐड करने के बाद कितना डिफरेंस आता है हमारे कोई भी आर्ट वर्क पे। एंड विद द सेम प्रोसेस मैं थर्ड पीस को भी इस तरह से कंप्लीट कर लूंगी। पेंट करने के बाद अब हमें इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ना है। देन मैंने लिया है ये कुछ मैग्नेट और इसे हमें सिंपली आइसक्रीम्स के पीछे स्टिक करने हैं। आप चाहें तो इन पीसेस को एज अ की चैन भी यूज़ कर सकते हैं। जब पेंट अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो लास्ट में हमें यूज़ करना है वार्निश। यहाँ मैंने लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश यूज़ किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर करूं। ऑल्सो इफ़ यू गाइज आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड दीज आर द फाइनल पीसेस, दे आर लुकिंग सो क्यूट गाइज।
और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन तीनों पीसेस में से विच वन इज़ योर फेवरेट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड माई लिटिल बेबी इज सो एक्साइटेड। बेटा व्हाट इज दिस? एट लास्ट मैंने इन मैग्नेट्स को अपने फ्रिज में इस तरह से लगा दिया है। समर वेकेशंस हैं, किड्स तो इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं एंड आप इसे बनाकर अपने फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। प्लस दिस इज बजट फ्रेंडली। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।